फायज, ये अपना यस मसती देना चाह रहा क्लास। सर, पूछता हूँ उसके उसका क्या सीन है, क्या तो रहा था उसको सेशन ज्वाइन कर ले। सर। मैंने मैसेज किया, मेरे ख्याल से स्टीव नहीं हुआ उसको भी, शायद नेट का बंद है, उसका नेट का मसला शायद। ओके। यस सर, मैसेज वगैरह कर दिया मैंने उसे। ठीक है। ओके सर, एक चीज आपसे पूछनी थी सर। एज अ मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेक्चर अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली आपने भी देखा होगा कि वहाँ मतलब स्टूडेंट्स के भी माइंड में यही होता है कि हम एज अ के डेवलपमेंट की फील्ड में चले जाते हैं या ज्यादा से ज्यादा मतलब डेवलपमेंट में मोस्टली ऑलमोस्ट जा रहे होते हैं। तो इधर पाकिस्तान में सर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज किस जगह पे हैं पाकिस्तान में डेवलपमेंट के अलावा? बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर नहीं होता सर, डेवलपमेंट की तो मैं कह रहा हूँ एक ब्रांच में आ जाते हैं ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो मोस्टली कॉन्सेप्ट है वो सारे डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, लेकिन बेटा मैं कह सॉफ्टवेयर रहा हूँ कि इंजीनियरिंग के अंदर पाकिस्तान डेवलपमेंट का पार्ट नहीं होता। ठीक है सर, आपने मैनेजमेंट साइंसेस का डिपार्टमेंट देखा है? जी सर, उसके अंदर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाई जाती है। सही। आप लोग आईटी के बिजनेस के बंदे हैं। सही हो गया सर। आप लोग डेवलपर कंप्यूटर साइंस वाले होते हैं। आप लोग बेसिकली कंप्यूटर साइंस के बॉस हैं। आप उनको जो काम देंगे वो काम करके देंगे आपको, ठीक है? क्योंकि बिजनेस वाले बंदे जो होते हैं वो आईटी से मानूस नहीं होते। तो आप लोग जो होते हैं वो लोगों के बिजनेसेस को क्या कहते हैं उसे, गाइड करते हैं डिजिटाइजेशन की तरफ।
तो आपका वही का सारा काम है जो मैनेजमेंट साइंसेज के बंदों का काम होता है, जिसमें लोगों से मिलना, मीटिंग्स क्रिएट अटेंड करवाना, उनसे रिक्वायरमेंट्स गैदर करना और उनको एक बिजनेस का मॉडल डिजिटाइज करके देना, अगर उनको कोई क्यूरीज होती हैं तो उनका सदभाव करना, करेक्शंस, ठीक है, उनको गाइड करना टेक्नोलॉजी के लिहाज से, ये काम आपका है. अब एक बिजनेस मैन है जिसने लेट्स सपोज बिजनेस खोला है अपना, क्या कहते हैं उसे, कोई बिजनेस कह लो अपना, क्या कहते हैं, कोई उसने ऑनलाइन नहीं ना ऑनलाइन तो आप करके देंगे ना उसे, सर लेट्स से शॉप है उसकी, ये जूतियों की शॉप है, तो उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट कर. हाँ ये कर लो, बेसिकली समझो मलिक मलिक रियाज साहब हैं, बहुत बड़े उनके पास वो है रियल स्टेट का बिजनेस है उसका, उसके रियल स्टेट के बिजनेस को आप जब ऑटोमेट करने बैठेंगे तो वो आपका काम है, वो नहीं कर सकता, उसको नहीं पता इन चीजों के बारे में, तो वो या तो अपनी टीम हायर करेगा या कंपनी हायर करेगा जो उसको सॉफ्टवेयर बना के देगी. तो सॉफ्टवेयर जो बनाना है उस सॉफ्टवेयर में क्या कुछ होना चाहिए वो उसके लिए आप हैं. अब देखो ना उनकी कंपनी के अंदर एक फाइनेंस का बंदा होगा, अब उनकी कंपनी में फाइनेंस का बंदा होगा, वो ना तो सीएस का होगा, ना तो वो एससी का होगा, ना तो वो आईएएस का होगा, ना वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का होगा, तो वो तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का होगा ना, फाइनेंस का बंदा होगा. तो वो बिजनेस मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो उनको प्रोवाइड करेगा, मैनेजर प्रोवाइड करेगा उनको, उनको क्या कहते हैं बिजनेस एनालिस्ट जो भी होते हैं उनके, जो बिजनेस वगैरह चलाते हैं प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन के लिए, प्रोडक्ट मैनेजर्स होंगे उनके, या आप कह सकते हैं कि उनके पास फाइनेंस मैनेजर्स होंगे, ये सारे मैनेजमेंट के बंदे हैं. लेकिन आईटी के जो बंदे होंगे उसमें आप लोगों का नाम होगा. लेकिन सर फिर हमारा मतलब जो कह लें कि रिलेशन बनता है डेवलपमेंट या इनके साथ, क्योंकि जब भी मतलब कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात आती है तो सबसे पहले काम हमारा होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग वगैरह और सारी जो डीलिंग जैसे आपने बताया जी. लेकिन तो फिर सर इनको हमारे साथ कम्युनिकेट क्यों करते हैं, मतलब हम इसको एक ये हमारी एक सेपरेट फील्ड भी तो हो सकती है ना, ये मतलब लोग मोस्टली लोगों का कॉन्सेप्ट भी यही होता है कि एक डेवलपर है, डेवलपर को बेसिकली बताते होते हैं कि हमने ये चीज़ बनानी है, इसकी ये मतलब इतने इसके पेजेस हों, इतने इसका अबाउट हो, फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है, वेबसाइट की ये पेजेस हों, ये सर्विसेज हों, हम डेवलपर को बता रहे होते हैं ना कि हम मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बताते हैं. और इस पाकिस्तान में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट एक किस्म का है ही नहीं. मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान में इस तरह की कंपनीज हैं जो इस जॉब को ऑफर करती हों? हाँ ये है, जो आपने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया ये बिल्कुल सही कहा आपने कि पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है. पाकिस्तान के अंदर वन मैन शो चलता है, वही बेचारा मैनेजर भी होता है, वही डेवलपर भी होता है, वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी होता है, वही क्वालिटी पे इंश्योरेंस कर रहा होता है, वही सारी सारी जो होता है ना उसका प्रोसेस को भी वही डिफाइन कर रहा होता है सारा कुछ. तो ये गलत है. हाँ डेवलपर वही होता है, तो ये गलत है. कंपनीज को जितना भी ये हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे, पाकिस्तान में ऐसी मतलब कंपनीज नहीं है जो मतलब इनको सेपरेटली हैं, अब हैं, अब काफी जब इनके पास आते हैं ना इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स आते हैं, जिन कंपनी पास जो प्रोडक्ट होता है वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट, अमेरिका का प्रोडक्ट होता है, यूरोप का प्रोडक्ट होता है, तो वो इनसे अपनी कंपनी का पोर्टफोलियो मांगते हैं. तो उस पोर्टफोलियो के अंदर उन्होंने हायरार्की डिफाइन करके बतानी होती है, हमारे पास कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, हमारे पास कितने क्यूए बैठे हुए हैं, हमारे पास कितने डेवलपर बैठे हुए हैं, हमारे पास कितने डेटाबेस बैठे हुए हैं, हमारे पास फाइनेंस. तो जो आपका क्वालिटी वाला पार्ट है वो भी अब पाकिस्तान में कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेस ने इंप्लीमेंट किया है, जिसको बेसिकली जिसको एचसीआई का डिपार्टमेंट बोलते हैं, और आप लोग आगे एचसीआई पढ़ेंगे अभी. पढ़ चुके हैं सर. हाँ लेकिन हम तो पढ़ चुके हैं, आप पढ़ो.
तो एचसीआई जो पार्ट है वो भी इंप्लीमेंट हो रहा है, उसमें जो इंटरफेस डिजाइनिंग है वो सिखाई जाती है। हाँ जी, क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह पढ़ाई जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो है पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रहा है कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता, काफी कंपनियां भी जो सॉफ्टवेयर की हैं उनके अंदर ये चीजें इम्प्लीमेंटेड है, और अगर आप ये लोग नहीं करते इम्प्लीमेंट तो फिर इनकी मार्केट में बड़ी बेइज्जती भी होती है, लोग मजाक उड़ाते हैं वो कंपनी उस पर तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो लोग तो ऐसे ही नालायक हैं, उनकी तो कंपनी छोटी सी है, उनके तो पता ही कुछ नहीं है, तो वो इस तरह की बातें करते हैं, तो फिर कंपनी में ये मैटर करता है जी के फाइनेंस कितने हैं आप लोगों के पास और कितनी बड़ी कंपनी आप बनाना चाहते हैं, तो मैटर करती हैं चीज़ें, ठीक है। तो वापस आते हैं जी चैप्टर वन पे, और हमारे पास कहते हैं कॉस्ट ऑफ एरर्स ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो कहते हैं जी कि अगर आप लोग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर इनमें करेक्शन ना की जाए, उनके अंदर बाद में करेक्शन करवाई जाए लेटर स्टेजेस के ऊपर डेवलपमेंट वगैरह के बाद, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। और उसने कहा जी रिक्वायरमेंट देखा जाए तो इनको फिक्स करने के लिए आपको 20 टाइम्स हायर पेमेंट भी करनी पड़ जाती है, 20 टाइम्स हायर, जिसकी वजह से आप लोगों को ज्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो कहता है जी अगर ये डिफेक्ट आप लोगों के टेस्टिंग में आ जाए, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पता क्या होती है? कोई आइडिया एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है? सर जब प्रोडक्ट बन के जाता है तो उसको पहले चेक करते हैं सारा, कि इसमें कोई फॉल्ट वगैरह तो नहीं है? नहीं, उसको पहले चेक नहीं करते, उसको बाद में यूजर जब चेक करता है और उसके अंदर आ जाए, जैसा मैंने आपसे कहा था कि मुझे आप इंटरफेस बना के दें येलो रंग का, ठीक है, और जब आप मुझे देते हैं और मैं उसको देखता हूँ और मैं कहता हूँ इसमें येलो रंग ही नहीं है, तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग फेल हो जाती है आप लोगों की, एक्सेप्ट नहीं किया मैंने यूजर ने, तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब कि यूजर ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो कहता है कि आप लोगों की 100 टाइम्स हायर रेट हो जाते हैं टाइम पेमेंट ऑफ की, और जो है वो बढ़ जाती है। सर टेस्टिंग भी तो सिंपल टेस्टिंग जो कहते हैं वो भी तो यही होती है? हाँ बेटा, टेस्टिंग में मेरे पास काफी किस्म की टेस्टिंग आती है, उसमें से एक टेस्टिंग एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी होती है। कुछ टेस्टिंग आपके क्यूए वाले करते हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठे होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस वाले बैठे कर रहे होते हैं, कुछ टेस्टिंग जो होती है वो यूजर साइड पे की जाती है। तो ये जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बात कर रहे, कह रहे जी कि अगर आप लोग गलतियां, हमारा जो कोर अभी बात करें वो गलती कर रहे हैं, गलतियां आप लोगों की शुरू में होंगी या गलतियां आपकी आखिर में होंगी, तो आपको पैसा कितना भरना पड़ेगा ये बात हो रही है। तो गलतियां अच्छी हैं कि नहीं अच्छी हैं इसमें, ये बताएं। तो गलतियां अच्छी नहीं है, इनको शुरू में करेक्शन कर ली जाए तो अच्छी बात होती है, और ये काम सॉफ्टवेयर इंजीनियर का होता है शुरू में इसको करेक्ट कर लेना। अगर वो शुरू में करेक्ट नहीं करेगा तो लाजमी उसको फिर मैनेजर से वगैरह से सीईओ से लानते ही पड़ेंगी, लेकिन बात यह कि थोड़ी बहुत चेंजेस जहाँ पे होती है, क्योंकि आप लोग जब रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं लेते हैं अपने यूजर से, तो फिर आप उनसे साइन भी कराते हैं कि जी कि आपने जो बोला है कि मैंने लिखा ठीक लिखा हुआ है, तो फिर वो ओके कर देता है, तो फिर आप उसको बनाते हैं। लेकिन अगर वो चेंजेस करवाए तो वो फिर आपके सर पे नहीं होती, आपने कहा जी यूजर ने कहा चेंज करने को तो हमने चेंज कर दी, तो वो चेंजेस भी हम लोग फिर रिपोर्ट लिखते हैं कि जी ये चेंज पहला ओरिजिनल ये चीज थी, बाद में इसमें चेंजेस करवाई गई तो हमने इसको चेंज कर दिया, उसको फिर वर्जनिंग आ जाती है, वर्जन चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम लोग आठवें चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तो मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि जी के रिक्वायरमेंट्स को हम लोग किस तरह मैनेज करते हैं जब लोग चेंज करवा लेते हैं चीज़ें या ख़त्म करवा देते हैं कि ये रिक्वायरमेंट निकाल दो, इसके पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये पैसे हम पेमेंट नहीं कर सकते, तो वो फिर निकाल दी जाती हैं, तो उनके साथ क्या करना है फिर, तो वो मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आठवें चैप्टर में आके। पहले शुरू में कॉन्सेप्ट देख लेना कि जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जो है वो क्या कुछ कर रहा है, और वो उसका मकसद क्या है, एरर्स को डिटेक्ट करना और उनको एड्रेस करना, और कॉस्ट को या जो बेनिफिट है कंपनी का उसको बढ़ाना, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ अ गुड रिक्वायरमेंट इंजीनियर इंजीनियरिंग, तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग अगर आप लोगों की अच्छी होगी तो मोर इनोवेशन, इनोवेशन होती है नया आइडिया लेकर आना, इनोवेटिव चीज होती है नई, ठीक है, ब्रिंग्स मोर इनोवेशन, मोर इंडिविजुअल्स एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम टू मार्केट, तो अच्छे से अच्छी चीजें नई इनोवेशन बना के लेकर आना,
अब वो पुराना एक सॉफ्टवेयर पिटे जा रहा है पूरे मार्केट के अंदर, बंदा कहता है यार ये इसके अलावा कोई नया सॉफ्टवेयर इससे बेहतर सॉफ्टवेयर नहीं आ सकता, तो वो इनोवेशन कौन लेकर आएगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, इस प्रोसीजर की इंपॉर्टेंस है। आप जब जाते हैं कंपनीज के बाद तो आप उनकी रिक्वायरमेंट्स उनसे पूछते हैं, उसके अंदर आप नई चीजें ऐड करवाते हैं, तो इनोवेटिव हो गया ना, नया हो गया, नई चीज आ गई। तो इनोवेशन का मतलब होता है नई चीज आना। तो कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम्स इनटू मार्केट एंड द नीड टू डू सो क्विकली, क्विकर, बेटर एंड विद हाई लेवल ऑफ क्वालिटी। तो क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो आप लोगों के चेक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इनको ऑटो करेक्शन हो जाएं, इस तरह चीज हो जाए, तो ये क्वालिटी का पार्ट होते हैं, तो उनको हायर लेवल पे देखा जाता है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ये काम है। कंप्लीट रिक्वायरमेंट फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स आर बेसिस ऑफ सक्सेसफुल सिस्टम डेवलपमेंट। तो अगर आपका एक सॉफ्टवेयर जिसमें डिफेक्ट्स ना हो तो बेसिकली वो एक सक्सेसफुल सिस्टम डेवलपमेंट कहलाई जाती है, और उसमें सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का होता है। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम तो दुनिया तक बना नहीं जिसमें डिफेक्ट्स ना हो, लेकिन जो थोड़ी बहुत चीजें होती हैं जो बेसिकली निगलेक्ट कर दी जाती हैं, तो उसमें फिर बाद में डिफेक्ट आता है, तो फिर वो हमारे पास सपोर्ट आ जाती है, जैसे मैंने भी आपको डायग्राम बना के दिखाई थी, तो सपोर्ट वाले फिर उनको एड्रेस करके ठीक करवा देते हैं। जी, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल अगर आपने बनाना, अच्छा बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल करना चाहते हैं, इट इज नेसेसरी टू नो द रिक्वायरमेंट फॉर द सिस्टम एंड टू डॉक्यूमेंट देम इन अ सूटेबल मैनर। तो सिर्फ लोगों से पूछ लेना, बात कर लेना मकसद नहीं, उनको लिखना भी होता है। तो याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ज्यादातर काम जो होता है वो लिखना भी होता है, कि जी के रिक्वायरमेंट्स को लिखा जाए। ये कोई भी प्रोसेस आपका चाहे एजाइल भी क्यों ना हो, ठीक है, ये इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। रिक्वायरमेंट्स को लिखना लाजमी होता है, रिक्वायरमेंट्स लाजमी लिखी जाती हैं इसमें से। हाँ, एजाइल के अंदर आपके पास पेपर वर्क थोड़ा सा कम होता है, लेकिन रिक्वायरमेंट लिखना तो फिर भी होती है, क्योंकि उसमें साइन कराने होते हैं, आपने जो चीज़ बना के देनी होती है उसमें, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट किसको बोलते हैं? रिक्वायरमेंट वो कंडीशन है, वो डॉक्यूमेंट है जो कि किसी की एबिलिटी को डिफाइन कर रहा होता है, या कोई ऑब्जेक्टिव जो आपने प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए चीज़ लिखी जाती है, वो conditions या capability needed by user to solve a problem to achieve an objective। तो objective को जो भी achieve करना चाहते हैं तो उसको हम requirements बोलते हैं। ठीक है, कि जी मेरा, मेरी दूध की दुकान को automate कर दो, ठीक है, तो ये objective है। मेरा product जो है वो user online देखे, objective है। मेरा product user online order कर सके, ये objective है। ठीक है, मैं अपनी, मेरा जो है दूध और दही और जो भी है वो जब खत्म होने लगे तो मुझे पता चल जाए, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, मैं ऑर्डर कर सकूं और मुझे विद इन 2-3 आवर्स या विद इन 1 डे जो भी रिक्वायरमेंट है उनकी, वो मुझे आके दूध दही दे जाएं, रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, अब तुम्हें देखा है हमारे पास जो पानी वाले फिर रहे होते हैं, जो डिलीवरी सिस्टम पानी वाला, अगर ये एप्लीकेशन बना दें और उनकी कंपनी के नाम से एक एप्लीकेशन आ जाए और मैं उसके पे लिखूं जी जी के मुझे आज 2 बोतलें चाहिए, सिर्फ मैं उनको मैसेज करूं, उनके पास वो जिसमें वो नहीं होता, क्या कहते हैं उसे, नोटिफिकेशन जो रेड रंग का वो बैज आ जाता है आपके आइकन्स के ऊपर, वो उसके ऊपर नजर आ जाए, उसके ऊपर चले जी आज 5 या 10 लोगों ने मुझसे पानी मांगा है, वो पूरा मोहल्ला घूमने फिरने, पूरा मोहल्ला घूम घूम के घर जाके पूछते हैं हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए, आज हम E11 आए, हमें पानी चाहिए। तो वो ना कर, वो उनको ना करना पड़े और वो जाए उस एड्रेस पे, पानी दें और वापस आ जाए। तो एक एप्लीकेशन बनाई जा सकती है और इनको दी जा सकती है, शायद ये खरीद लें आपसे, चांसेस हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की एप्लीकेशन जो है आप लोग वो एक इनके सीईओ को बना के दे सकते हैं कि देखें कि आपकी गाड़ियां कहाँ फिर रही हैं। आजकल तो हर एक पास मोबाइल फोन है ना, स्मार्टफोन सभी के पास होते हैं, तो आप अपने ड्राइवर के हैं या ड्राइवर के साथ जो हेल्पर होता है उसको पकड़ाएं फोन, उसे कहें बेटा ये एप्लीकेशन ऑन रखना, तो उसको नजर आता रहेगा कि जी के आपकी गाड़ी कहाँ कहाँ जा रही है, और उस पर ये भी इंफॉर्मेशन आ रही होगी किस किस यूजर ने किस किस एरिया में पानी मांगा हुआ है। दी एंड, उसका काम आसान और आपका भी काम हो गया, पैसे आपको मिल गए,
आपने सपोर्ट के लिए उनका प्रोडक्ट भी रख लेना है कि तो इट्स अ गुड थिंग अगर करना चाहें तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की बात होती है बहुत होगी तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर है वो किसके पास जाता है चीजें गैदर करने के लिए उसको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर. अब स्टेक होल्डर जो होता है ना अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बताने वाले तो कंपनी के अपने लोग भी होते हैं आपका टीम लीड भी आपको समझाएगा आपके जो कुलीग्स बैठे हैं वो भी आपको समझाएंगे कुछ चीजें आपको शायद डेवलपर भी समझा सकें यार मैं ये काम कर सकता हूँ ये काम नहीं कर सकता तो डेवलपर भी आपका हेल्पफुल होता है. तो ये सब स्टेक होल्डर होते हैं. स्टेक होल्डर जो जो बंदा उस प्रोडक्ट के अंदर हिस्सेदार होगा उस प्रोडक्ट को बनाने में मदद करेगा वो सब स्टेक होल्डर होते हैं. ठीक है वो उस कंपनी के बंदे आपकी कंपनी के बंदे आप खुद आपके मैनेजर्स दूसरी कंपनी के मैनेजर्स वो सब या यूजर या उसके जो एम्प्लॉय बैठे हुए वो सब स्टेक होल्डर होते हैं. Do you understand the stakeholders कौन होते हैं? Yes sir. Yes sir. सब बंदे. Stakeholder of a system is a person or an organization that has a direct or indirect influence of the requirement of the system. एक चौकीदार भी आपका stakeholder होता है. अगर वो system का part है, तो चौकीदार साहब भी आपका stakeholder कहलाएंगे. चाहे वो उस company का PN क्यों ना हो, चाहे लाके देता हो. वो भी उसका स्टेक होल्डर होगा अगर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है तो. कुछ सवाल? नो सर. तो अब रिक्वायरमेंट इंजीनियर जो है वो जब कंपनी में जाएगा उसको मैंने बुलाया भाई मेरी डेयरी की दुकान है भाई अपनी कंपनी से बंदा भेजो मैंने उसको बताना है मैंने क्या बनाना है. तो डेवलपमेंट प्रोसेस रिक्वायरमेंट इंजीनियर मस्ट एलिसिट द स्टेक होल्डर्स रिक्वायरमेंट. तो डेवलपमेंट के लिए देने से पहले काम डेवलपमेंट वालों को काम देने से पहले मैंने वो सारी चीजें एलिसिट का मतलब होता है लिख लेना एलिसिटेशन होता है लिखना राइटिंग मस्ट एलिसिट द स्टेक होल्डर्स रिक्वायरमेंट. तो रिक्वायरमेंट को लिखना है डॉक्यूमेंट बनाना है. ये देखें डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है इन अ सूटेबल मैनर. सूटेबल मैनर का मतलब ये कि ऐसे लिखूं कि समझ आ सके. ठीक है जब मैंने लिख लिया तो मैंने उसको वैलिडेट कराना है वेरीफाई भी करवाना है. तो जो मैंने लिखा है वो ठीक लिखा है. जिस तरह अब रोशन आसिफ जो है वो मेरे पास आता है कहता है हाँ सर जी आपकी डेयरी की दुकान है. मैं हाँ जी डेयरी की दुकान है जी क्या करना चाहते हैं जी मैं चाहता हूँ कि मेरा यूजर जो है ना वो ऑनलाइन मेरी दुकान को देख सके. ठीक है ऑब्जेक्टिव है लिखेगा किताब में अपने कि जी इनका ये चाहते हैं कि इनका यूजर इनको ऑनलाइन एक्सेस कर सके. एक काम ठीक है. दूसरी रिक्वायरमेंट क्या चीज आपकी? दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जी मेरे जो डेयरी की दुकान है ना उसमें मैं तस्वीरें लगाऊं अपनी वेब पेज के ऊपर कि मेरे पास दूध जो है वो मैं इस तरह के डब्बे में देता हूँ दही मैं अपने प्लास्टिक के इतने प्यारे से डब्बे में देता हूँ और जी मैं अपनी चीज जो है वो मेरे पास रेड रंग की चीज भी है येलो रंग की चीज भी है ऑरेंज रंग की चीज भी है ब्लू रंग की चीज भी है. तो ये देखें मेरे पास कितनी वैरायटी ऑफ चीज है मैं दिखाना चाहता हूँ तस्वीरें दूंगा तो वो तस्वीरें वेब पेज पे लगाए. दूसरी रिक्वायरमेंट हो गई. ठीक है तीसरी कि जी डिलीवरी का मैं पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी करता हूँ या मैं सिर्फ इस्लामाबाद में डिलीवरी करता हूँ इस तरह की इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं आपको दूंगा तो आप वेब पेज पर लगा दीजिएगा तो आप रिक्वायरमेंट्स आपसे ले जाएगा. ठीक है उसके अलावा जी पर किलो कितना वजन के लिहाज से हम दही बेचते हैं दूध किस लिहाज से बेचते हैं चीज किस वजन के लिहाज से बेचते हैं हम लोग तो ये चीजें इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं वहां चाहता हूँ. तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहा है कौन? रोशन आसफ मेरे से. ठीक है अब रोशन आसिफ है वो कहते हैं सर मैं आपको एक अच्छा मशवरा दूं इसमें आप इसमें डिलीवरी सिस्टम भी लगा देना इस्लामाबाद के अंदर तो हम आपको आप अगर एक राइडर रख सकते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर तो वो जी डिलीवरी कर दे तो हम आपको एक डिलीवरी सिस्टम भी बना देंगे इसी प्रोडक्ट के इसी सिस्टम के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर आपको बस सर एक लाख पर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और हम आपको डिलीवरी सिस्टम बना के देंगे जिसमें आपका राइडर आपका प्रोडक्ट पहुंचाएगा और आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट स्टार मिलेगा और लोगों की जब उसमें वो आएगी तो वो लोग आपको फेसबुक के थ्रू
कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, और उससे इस तरह आपकी मार्केटिंग भी हो जाएगी और आपके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा। तो अच्छी आइडिया, ठीक है जी, ये भी कर दें। तो ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हेल्पफुल होती हैं आप लोगों के लिए। समझ आ गई रिक्वायरमेंट किस तरह पूछी जाती है? तो हमारे पास चार कोर एक्टिविटीज होती है रिक्वायरमेंट इंजीनियर की। पहला काम, पहला जो एक्टिविटी होती है वो इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन होता है लिखना। तो इसमें डिफरेंट टेक्निक्स है हमारे पास लिखने की, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। लिखा किस तरह जाता है इसको बेसिकली हम लोग बोलेंगे डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन अगला जो चैप्टर हमारा वो इलस्ट्रेशन का चैप्टर है, उसको हम पढ़ेंगे कि रिक्वायरमेंट किस तरह लिखी जाती है। तो रिक्वायरमेंट सिर्फ लिखना नहीं, उनको रिफाइन भी करना है, बेहतर भी करना है, ठीक है। आगे हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, इसमें किधर गया, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे हम लोग, इसमें चौथा छठा चैप्टर डॉक्यूमेंटेशन देखे देखेंगे। फिर वैलिडेशन के ऊपर बात करेंगे, निगोशिएशन की बात करेंगे। ये वैलिडेशन और निगोशिएशन क्या होती है, आपकी अगर कंपनी में दो बंदे बैठे हुए ना, एक बंदा कहता है नहीं जी येलो कलर होना चाहिए, दूसरा बंदा कहता है नहीं जी ग्रीन कलर होना चाहिए। अब लड़ाई होगी दोनों के आपस में, वो कहते नहीं येलो अच्छा लगता है, वो कहते नहीं ग्रीन अच्छा लगता है। फिर अब क्या करेगा, रिक्वायरमेंट इंजीनियर का काम है कि इनको निगोशिएट करना कि यार ग्रीन बेहतर है, ग्रीन पे मना लेते हैं। तो आपने मनाना है लोगों को, तो उसको निगोशिएशन कहते हैं, ठीक है। आगे मैनेजमेंट आ रही है, इसमें मैंने आपको पता वर्जनिंग की बात की मैंने, कोई डिलीट हो जाती हैं, इसमें कुछ मेजर्स हैं जो कि स्ट्रक्चर को, रिक्वायरमेंट्स के स्ट्रक्चर को समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें वर्जनिंग का मैंने कॉन्सेप्ट जिक्र किया, तो वो हम देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो आठवां चैप्टर है, आखिरी चैप्टर हमारे पास। तो कहते हैं कोर एक्टिविटीज जितनी भी हमने ये पढ़ी, वैलिडेशन, डॉक्यूमेंटेशन, मैनेजमेंट, ये सारी जो है, एलिसिटेशन, ये डिफरेंट लेवल्स पे हम लोग इनको, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, खुलासा, ठीक है, इनको हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आप लोग चैप्टर लिखते हैं ना, चैप्टर पढ़ते हैं, तो चैप्टर्स के अंदर पीछे जो चीज पढ़ी होती है उसका आगे जिक्र आता है। जिस तरह अगर आप ये फायर्स वगैरह को याद होगा, हम लोगों ने कहीं छठे चैप्टर के अंदर डिलेस के बारे में पढ़ा था, और सातवें आठवें नौवें चैप्टर सीसीएन के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो हमने उसमें डिलेस को डिस्कस किया था कि इसमें डिलेस क्या होते हैं। फिर मैंने आपसे डिलेस याद है, आप लोग पीछे डिलेस पढ़ के आए थे, हैं? तो ये वो कह रहा है कि उनका खुलासा आगे इस्तेमाल होता है, कि फलाना रिक्वायरमेंट जो है वो उसका यहाँ आगे इस्तेमाल इस तरह होगा। तो वो जो रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं उनको हम लोग बाकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये बात करें कि जो उनका एब्स्ट्रैक्ट लेवल जो उनका खुलासा वगैरह कहीं डिफाइन किया जाता है कि आगे भी के जी की ये पुराना रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट्स आ गई, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आ गई, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आ गई, ठीक है। तो इसमें हम लोग डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्कस करते हैं हर चैप्टर के अंदर, जब हम लिख रहे होते हैं, जब हम लोग सिस्टम को डेवलप कर रहे होते हैं, प्रोसेस को डेवलप कर रहे होते हैं, जहाँ प्रोसेस आते हैं वहाँ पे बेसिकली हम लोग ये एब्स्ट्रैक्ट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि ये फलाना रिक्वायरमेंट को हम लोग जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये प्रोसेस इस तरह बनेगा, ठीक है। तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा जी कि जो हम लोगों ने रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं उनको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो कहाँ इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको समझाता जाऊँगा ऐसा ऐसा, ताकि चीज़ आपको आसान हो सके, ठीक है। तो अगर आपने एक चीज़ मेरी दुकान पे आके बैठ के लिखी थी जिसको हम लोग रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं, तो उनको जाके कंपनी के अंदर बताना भी तो होता है ना किसी को कि जी इस चीज़ को डेवलप करे, तो वो उन रिक्वायरमेंट्स के आप आईडी देते हैं, रिक्वायरमेंट्स को नंबर देते हैं, 1 रिक्वायरमेंट 2 रिक्वायरमेंट 3 रिक्वायरमेंट, तो फिर वो डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। फिर आप बताते हैं जी लेट्स सपोज रिक्वायरमेंट नंबर 3 के अंदर रिक्वायरमेंट नंबर 2 से डाटा आएगा, तो वो फिर जो प्रोसेस होता है उसके अंदर फिर वो एक्सप्लेन किया था। तो वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है जी कि यहाँ पे फलाना रिक्वायरमेंट आपकी यूज हो रही है, ठीक है, या फलाना प्रोसेस के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट 1 2 3 4 5 6 इस्तेमाल होंगी और 7 8 9 10 दूसरी प्रोसेस में इस्तेमाल होंगी। तो इस तरह की ये एब्स्ट्रैक्ट की बात करें। कंस्ट्रेंट्स, अब हमारे पास जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है जी कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस करती हैं, जो कि आपको रोकती हैं काम करने से। भाई काम करने से रोक भी सकता है कोई आपको? हाँ, क्यों नहीं रोक सकता, छुट्टियां रोक देती हैं आपको,
कोरोना वायरस से रोक देता है आपको, हाँ बीमारियां डिजीजेस की वजह से रुक जाना, रोग कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, हॉलीडेज की वजह से कंस्ट्रेंट आ जाते हैं, कोई स्टेक होल्डर बीमार हो जाए कंस्ट्रेंट आ जाता है, वो आप जब स्टेक होल्डर मिलेगा ही नहीं आपको तो आप उससे बात कैसे करोगे, वो तो अस्पताल पड़ा हुआ जी आईसीयू में, तो अब आप क्या करेंगे, अस्पताल आईसीयू जाके उसे मिल लोगे, बेटा मुझे बताएं ये क्या क्या चाहिए आपको, छत्तर मार के भगा देंगे आपको, तो वो ना करने बैठ जाना। उसके अलावा कंस्ट्रेंट आपकी अथॉरिटीज के कंस्ट्रेंट आ जाते हैं, मतलब सीडीएस से अप्रूवल चाहिए, मतलब आप लोगों को फूड अथॉरिटी से वो चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, तो फूड अथॉरिटी आपको लगता है आप अभी जाएंगे आपको घंटे प्रिंट निकाल के दे देंगे, वो कहेंगे बेटा जी महीना लगेगा पैसे जमा करा देना, तो बड़ा प्रोसेस होता है उनका भी, वो भी वो कहेंगे जी हम आपकी दुकान का विजिट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि उसमें आपका प्रोडक्ट कैसा है, फिर हम आपको बताएंगे जी क्या ओके या नहीं ओके, ओके। उसके अलावा गवर्नमेंट के कंस्ट्रेंट्स होते हैं कोई रूल्स एंड पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की, वो इन्फोर्स करनी होती है, उनको पूरा करना होता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज हैं कि जी के कंस्ट्रेंट्स बहुत सारे आ सकते हैं आपको काम करने में, तो उसके वजह से आपका काम डिले हो सकता है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके काम में डिलेज क्या होंगे, क्या आ सकते हैं। मे बी आपका कोई स्टेक होल्डर मुल्क से बाहर गया हो, जी सीईओ साहब तो गए हुए बाहर अभी, वो अगले महीने आएंगे तो वो आपको बताएंगे फिर क्या करना है, तो आप एक महीना इंतजार करें, तो कंस्ट्रेंट है। तो स्पेशल डिस्टर्बेंसेस, स्पेशल का मतलब होता है स्पेस, दूरी, ऐसे तो हो सकता है ना कि जी आपका जो क्लाइंट बैठा हो वो जर्मनी बैठा हो, वो कहेंगे बेटा जर्मनी आ जाना तो फिर बात करेंगे, अब आप फ्लाइट पकड़ेंगे जर्मनी जाएंगे वहां उनसे मिलेंगे फिर वापस आएंगे तो टाइम तो लगेगा ना। टेम्पोरल अवेलेबिलिटी, टेम्पोरल तो दुनिया में, टेम्पोरल होता है दुनियावी, दुनियावी अवेलेबिलिटी कि दुनिया में वो कहाँ पे है अभी, बंदा छुट्टी पे गया हुआ है घर बैठा हुआ है, उसका ऑफिस लाहौर में है, तीसरे का ऑफिस कराची में है, चौथे का ऑफिस कोयटा में है, तो आपको टेम्पोरल अवेलेबिलिटी के लिहाज से उनको जाना पड़ेगा, ठीक है। टेम्पोरल अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मेंबर्स, लोग कहाँ हैं, गुड समझ आया। Yes, अब वो कहते जी कि आपने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को प्रोसेस के अंदर डालना है, प्रोसेस मॉडल के अंदर डालना है। अब प्रोसेस मॉडल तो आप लोग पढ़ के होंगे, आपने पढ़ा होगा वी मॉडल्स पढ़े होंगे, वाटरफॉल मॉडल पढ़ा होगा, अजाइल मॉडल पढ़ा होगा आप लोगों ने, स्पाइरल मॉडल पढ़ा होगा आप लोगों ने, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा था जी, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा था, तो जी वो जो प्रोसेस है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोसेस है, आप भी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है ना, तो आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोसेस के अंदर कहां तक काम करते हैं ये बता दें मुझे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर कहां तक काम होता है सर? डेवलपमेंट का फेस नहीं होता, बाकी सब होता है। Yes, टेस्टिंग भी आती है, जबरदस्त इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी आती है, सारी जी सारी चीजें आती हैं उसमें सवाल डेवलपमेंट के। लेकिन डेवलपमेंट पे भी आपको बताऊं, आप लोगों को प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है? Yes, sir. आप लोगों को प्रोग्रामिंग से पढ़ाई जाती है, कल को अगर कोडर आपको मुंह पे कह दे यार ये तो नहीं बन सकता, पता नहीं कैसे बनाते हैं, ये तो मुझे आता ही नहीं है, या ये तो नहीं हो सकता, ये तो मुमकिन नहीं है, तो आपके पास नॉलेज हो के हाँ जी ये काम हो सकता है, प्रोग्रामिंग इस तरह चलती है, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि उसमें कुछ गलती हो रही हो तो आप उसको करेक्शन कर सकें, ताकि आपको भी पता हो चीज के बारे में ना, मतलब आप भी जो है वो डेवलपमेंट के का प्रोसेस समझते हैं, इसलिए आपको पढ़ाई जाती है। ये एक छोटा सा है, किधर की तस्वीर, ये रिक्वायरमेंट कलेक्शन एनालिसिस कोडिंग टेस्टिंग। अब ये टेस्टिंग के अंदर आपका काम है, कोडिंग तो उसने कर दी, टेस्टिंग आपने करवानी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है। इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, ये मेंटेनेंस का जो पार्ट था, अगर आपको याद हो मैंने डायग्राम दिखाया था जो आप लोगों को सपोर्ट दी थी, ये मेंटेनेंस सारी सपोर्ट में आ जाती है।
ये बेसिक आपने दुकान में जाके उसे पूछना होता है, लोगों से मिलना होता है, ये कंपनी के अंदर काम होते हैं। एनालिसिस कंपनी में बैठ के किया जाता है, कोडिंग टेस्टिंग कंपनी के अंदर बैठ के की जाती है, इंस्टॉलेशन जो है वो जहाँ पर डिप्लॉयमेंट करनी होती है अपने सर्वर पर करनी है, उनके किसी सिस्टम पे करके देनी है, और फिर मेंटेनेंस आपने करनी है अपनी कंपनी के अंदर बैठ के, ठीक है। तो ये जो है ये प्रोसेस आपको पीछे पढ़ाए गए होंगे सेमेस्टर के अंदर, ये आपने देखा होगा कुछ, ये डायग्राम देखी होगी, अगर वो डायग्राम देखिए आप लोगों तो ये डायग्राम तो आप लोगों को याद ही होगी, डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर बड़ी मशहूर डायग्राम है ये रही। फेवरेट डायग्राम है आप लोगों की, रिक्वायरमेंट डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन वेरिफिकेशन और मेंटेनेंस। बेसिकली ये वेरिफिकेशन भी बेसिकली डिप्लॉयमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो डिजाइन करना, तो जब आपने रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया उसने आपको कुछ बोला, अब आपने देखना है कि मैंने इसका इंटरफेस कैसा बना के दूंगा, तो ये डिजाइनिंग का पार्ट सारा इंटरफेस का है, दिस इज एचसीआई, दिस पार्ट इज एचसीआई, कि मैं इसको डिजाइन कैसे करूं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो पार्ट आपके हिस्से में आते हैं, ये आखिरी पार्ट भी आपके हिस्से में आता है, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर टेस्टिंग का पार्ट आपके हिस्से में आता है, वेरिफिकेशन का पार्ट आपके हिस्से में आता है, क्योंकि वेरिफिकेशन क्यूए वाले करते हैं, टेस्टिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन टेस्टिंग आ जाती है आप लोगों की, तो वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के को देने से पहले वो टेस्टिंग वगैरह आप लोग करके सारा, फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लिए उसको भेजते हैं कि जी यूजर इसको एक बार टेस्ट कर ले, चला ले, ताकि उसको कोई एतराज हो तो हम उसमें करेक्शन कर सकें अभी थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद मेंटेनेंस का पार्ट है, ये तो आपको बताइए कि ये आपका सपोर्ट का सारा पार्ट है, ठीक है। कोई एतराज इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में? नो सर। नो सर। डिजाइनिंग में आपने इंटरफेस डिजाइन करना ना? यस सर। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स तो गैदर कर लिया आपने, तो लोगों ने जो आपके आपको बोला आपने लिख लिया, यहाँ पे आप वापस आए, आपने आके इन रिक्वायरमेंट्स को सोचा कि इनको मैं बनाऊंगा किस तरह, डेटाबेस में मैं ड्रॉप डाउन बनाऊं के ऑटोफिल बनाऊं या क्या करूं, लॉगिन की तस्वीर, लॉगिन स्क्रीन बनानी है कि नहीं बनानी, अंगूठा लगाएगा, मोबाइल फोन पे कोड आएगा, सब डिजाइनिंग का पार्ट है, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड करूंगा किस तरह होगा, ये सब डिजाइनिंग का पार्ट है। उस पर क्या इंफॉर्मेशन डालनी मैंने कंपनी की, सारा डिजाइनिंग का पार्ट है। उसको आपने बोल्ड में लिखना है, अटैलिक में लिखना है, उसकी आपने तस्वीरें बनाकर डालनी है, कार्टून बनाकर डालने है, सब डिजाइनिंग का पार्ट आपका है, ठीक है सर। जो वेरिफिकेशन है, ओह इम्प्लीमेंटेशन पे तो आ जाऊं। अच्छा, तो डिजाइनिंग जब आप लोग करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन के से पहले आप लोग उसको उसको बोलते हैं टेस्ट केस बनाना। तो जो टेस्ट केस होते हैं वो बनाए जाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन दी जाते हैं कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, इसका रिजल्ट ये आना चाहिए, फिर वो डेवलप करते हैं डेवलपर्स, टेस्टिंग आ गई, इसमें टेस्ट केस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ रोकूं अगर मैं आपको, तो मैं कहता हूँ जी कि ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ पे हमारे पास वैलिडेशन आती है, ये आप डिजाइनिंग करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं दे सकते, नॉट पॉसिबल, नहीं दे सकते। यहां से ये वैलिडेशन करवाई जाती है। वैलिडेशन क्या होती है, जो आपने लिखा है वो जाता है यूजर के पास, यूजर के पास, यूजर से कहा जाता है आपने ये बोला था, ये मैंने लिखा है, ये मैंने डिजाइन किया है, क्या आप मानते हैं? वो कहते हैं हाँ मानता हूं, ओके जी साइन करते हैं, ये लें जी साइन कर दिया, ओके डन, अब बनेगी चीज। जब तक वो साइन नहीं करता चीज नहीं बन सकती। क्या सर आपकी आवाज कट जाती बीच में? आवाज आपकी कट रही थी शायद, इंटरनेट से तो स्लो हो जाता है। आप बोलें, अब क्लियर है? यस सर, अब क्लियर है। बोलो बोलो, कुछ पूछा था आपने? नो सर, बस वो आप जब एक्सप्लेन कर रहे थे आपकी आवाज बहुत कट रही थी। ओके, मैं कह रहा था जी वैलिडेशन जो है वो यूजर से की जाती है, और यूजर से कहा जाता है कि आपने जो कुछ बोला था हमने वो बना के दिखाया आपको, आपको पसंद है? वो कहता है हाँ जी पसंद है, साइन कर दें डॉक्यूमेंट के ऊपर और फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। वेरिफिकेशन आती है। वेरिफिकेशन क्या होती है, जो बनाया है मैंने
दिस थिंग व्हाट आई हैव बिल्ट, कोडिंग जो मैंने की है, इसको वेरीफाई किया जाता है कि ये ठीक बना, क्योंकि डेवलपर अपनी मर्जी से चीजें बना देता है, ठीक है। ये वो बात है कि आपने जाके बाजार में चिकन पकड़ाया और कहा जी इसकी कढ़ाई बना दो, और उसने आपको रोस्ट बना के दे देना, ये जी रोस्ट, कढ़ाई तो नहीं है ये, वो जी वो कढ़ाई के लिए जी टमाटर नहीं थे जी, प्याज नहीं मिली जी, मैंने कहा रोस्ट बनाया था, तो जी मैंने रोस्ट नहीं खाना था, मैंने कढ़ाई खानी थी। तो वेरिफिकेशन करवाई जाती है कि जो चीज बना के दी है डेवलपर ने, क्या वो ठीक बनाई है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठ के दोबारा उसको, जिसमें हम लोग टेस्टिंग की बात करते हैं, टेस्टिंग की जाती है कि जी सारी चीजें ठीक बनी है या नहीं बनी हुई, और कहीं डेवलपर ने अपनी मर्जी से चीजें तो डाल दी। इसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड कोटिंग करना, जो कि डेवलपर कर देता है, उसको भी खत्म किया जाता है कि ये हमें नहीं चाहिए, ये निकालो यहाँ से।